भाई देखो, कितना भी बदनाम कर लो दिल्ली को, लेकिन दिल्ली है दिल वालों की। कोई भी आए यहाँ पे ना, बस उसको दिल्ली ना अपने दिल में बसा लेती है। ये मूवी ना और भी ज्यादा स्पाइन चिलिंग हो सकती थी, बट थोड़ी सी ठंडी रह गई क्योंकि वो कल्ट क्लासिक चीजें करने लग गए ना ये लोग। देखो, जोगी की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो कि बेस्ड है 1984 इमरजेंसी के टाइम की, कि दिल्ली में क्या क्या हंगामा हुआ था उस टाइम पे, वो भी सिख कम्युनिटी के साथ। भाई देखो, 100% की बात कर रहा हूं मैं अभी, कि दिल्ली में ना बहुत ही डाइवर्सिटी है, और यहाँ पे जिस तरीके की यूनिटी है वो मुझे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं दिखी है। मतलब जैसे जिस तरीके से लोग यहाँ पे स्टैंड करते हैं आपके लिए, वो गजब है। और बस इसी चीज को ना नेटपिक किया गया है और मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से डाला गया है कि कितने डाइवर्स लोग हैं और किसकी मेंटेलिटी क्या है, और उस चीज को इतनी क्रूअल तरीके से दिखाया है कि आपको मजा आएगा देखने में। लेकिन हाँ, साथ ही आपको बता दूं कि मूवी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मूवी काफी ज्यादा हल्की पड़ जाती है, और जो उसका स्टोरी है वो बहुत ही क्रिंज वर्दी हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो वो टू बी रियली ऑनेस्ट टॉप नॉच है। जिस तरीके का उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है 84 वाला, वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता जरूर है। इवन दो परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो उतना इम्प्रेसिव मुझे कोई भी नहीं लगा, एक्सेप्ट मोहम्मद जीशान AKA रविंद्र। भाई के कैरेक्टर को देखकर ना लिटरली फील आ रही थी कि दिस इज कॉल्ड दोस्त। And by noticing all that, I am going to say, Jogi is time pass है बाबा। जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।